तो दोस्तों माशाल्लाह से हमारे जो कबूतर के बच्चे हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है और वो अपना आराम से घूम फिर रहे हैं और दाना भी खुद ही खा रहे हैं। और ये देखिए हमारे कबूतर बैठे हुए हैं, हमने कबूतरों को दाना पानी सब कर दिया है। अब सबसे पहले जो है वो हम अपने मैंगो को देख लेते हैं कि उसकी तबीयत कैसी है। मैंगो की तबीयत थोड़ी सी पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। पहले जो थी ये बैठ भी नहीं पा रही थी, लेकिन अब ये जो है ये थोड़ा बैठ भी पा रही है। पहले तो मतलब घूम भी नहीं पा रही थी, अब थोड़ा सा घूम फिर रही है। तो अभी हम अपने रिंगो को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए ये रिंगो, इसके तकरीबन आधे बाल आ चुके हैं। अभी इसको 2 से 3 दिन लगेंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा, और जब ये पूरा कवर होगा तो फिर हम इसको बाहर निकालेंगे, घुमाएंगे। तो सबसे पहले अभी हमें जो है ना वो जाना है, तो हम अपने परिंदों को अभी इस वक्त दाना डाल देते हैं ताकि हमें आते आते लेट हो जाएगा थोड़ा सा, तो हम अपने परिंदों को दाना डाल के जाएंगे। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? तो चलिए हम ऊपर चलते हैं और अपने परिंदों को दाना देते हैं। दोस्तों चलिए छत पे, तो चलते हैं हम लोग छत पर, अपने परिंदों को खोलते हैं और उनको दाना देते हैं। अभी तो धूप बहुत तेज़ हो रही है, आज इतनी गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज धूप इतनी तेज़ हुई है, पूरा सूरज सर पे है। तो सबसे पहले अपने परिंदों को खोल लेते हैं। ये देखिए ओ भाई, अंडा दे दिया। ओ दोस्तों ये देखिए हमारी मुर्गी ने एक और अंडा दे दिया। यार मैं भूल गया था, ये ऑर्डर है, अंडा दे दिया, मैं जाना इसको कल अंडा लेना है। तो दोस्तों हम जो थे अपने मुर्गी का कल इंतजार कर रही थी कि वो कल अंडा देगी, लेकिन अब हमें पता चला कि ये मुर्गी जो है वो अल्टरनेट अंडा देती है। हम फालतू में कल इंतजार कर रहे थे, इसने एक अंडा परसों दिया था और एक आज दिया है। तो आपको पता है कि हमें आने में थोड़ी सी आने में हमें थोड़ा सा देर हो जाएगी, तो हमें जाने अभी, इस वजह से हम लोग अपने परिंदों का भी खोल लें और उनका भी दाना डालेंगे ताकि वो हमारे आने तक भूखे ना रहे। रिंगो को तो हम आने के बाद फीड करेंगे, क्योंकि जब तक रिंगो की फीड का टाइम होगा तब तक हम आ जाएंगे। अंडा दिखाओ। तो गाइस आप देख सकते हैं मुर्गी ने अंडा दे दिया है, अभी इतनी खुशी हो रही है। और अब जो है हम क्या करेंगे, हम जो है कोशिश करेंगे कि हमें कहीं किसी भी बर्ड मार्केट से थोड़े से और अंडे मिल जाए, ताकि हम उनको जमा करके एक साथ इंक्यूबेटर में रखें और अपने चूजे निकले। हम कोशिश करेंगे कि हमको किसी डिफरेंट परिंदे के भी अंडे मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले अपने परिंदों को खोलते हैं और उनको दाना डालते हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो है वो अपने दोनों अंडे यहाँ पे जमा करके रखे हैं। एक जो हमारी मुर्गी ने परसों दिया था और एक जो आज दिया है। परसों वाला कौन सा था, अब तो पता भी नहीं चल रहा कौन सा है। ये आज का है, इसपे देखो मैंने उठाते हुए देखा था। चलो सही है, तो अब अपने चूजों को खोल लेते हैं। दाना निकालो, चूजों का दाना है तो ना। गाइस ये देखें सारे चूजे बाहर आ गए, इनको दाने डाल दो। बेंडम को खोलना है, खोल लेते हम लोग। यार हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारी मुर्गी फिर से अंडे देने पे आ गई है। इसने आखिरी बार 3 अंडे दिए थे पिछली बार, और तीनों अनफर्टाइल अंडे थे। और मुर्गी कहाँ गई? अच्छा आ गई। तो अभी हम अपने परिंदों को दाना डाल देते हैं। कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा इनको दाना डाल दो, फिर ये इसको बंद कर देंगे इनको, और अंडा बचा के रखना इन लोग से। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है आज हमारी मुर्गी ने अंडा दे दिया, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई और हमारी रिंगो की भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। हमें जाना है वरना हम लोग इनको थोड़ा सा शाम के टाइम खोलते, लेकिन क्या करें आज हमारी मजबूरी है, तो इसलिए हमने इनको थोड़ा गर्मी में खोल लिया। आज एक दिन रह जाएगा, वरना हम इन लोग को रोज़ाना शाम में ही खोलते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।